राम राम जी सारिया स्वागत है तुहाडा अज दी वीडियो दे विच चैनल एम एंड अचीव दे विच। ये जो तुसी परफॉर्मा देख रहे हो स्क्रूटनी परफॉर्मा है जो कि ईटीटी 6635 या जो जेल दियां बाईपोस्ट आईयां सीगियां ईटीटी दियां उन्होंने फिल करना है जी। ठीक है, तो उन्होंने फिल किदा करना है स्टेप बाय स्टेप देख लो। ये विच कटिंग नहीं होनी चाहिए, मेन गल ये है कि कोई भी ये विच कटिंग नहीं होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहले तो इतने तुसी अपनी पिक्चर लगानी है। ठीक है, उस तो बाद जिन्ने भी तुहाडे पेजिस होणगे टोटल तुसी इत्थे उहदी गिणती लिखनी है ते अपने इत्थे साइन भी करने आ। भुल ना जाइयो किते कई वारी आपां इह चीज छड्ड दिंदे आ। ते इक जो वड्डी गल आ कि कोई भी कॉलम खाली ना छड्डिया जावे, साफ साफ भरना आ, कोई भी कटिंग नहीं करनी। हुण असामी दा नाम की सी जी? ईटीटी 6635। ठीक है जी, ते आपां जो असामी दा नाम लिखांगे उह लिखांगे जी ईटीटी 6635, या अगर जेल विभाग दियां सीगियां तां उस हिसाब दे नाल तुसीं उहनूं फिल कर देना। ठीक है, अप्लाई करन दा साल किहड़ा सीगा? ये सी तुहाडा जी 2021। ठीक है, ते तुसीं ईटीटी कीती है जां नहीं कीती है? तां हाँ, नहीं कीती ते नहीं। ते उस तों बाद जो विभागी टैसट विच जो तुहाडे अंक आए आ उह तुहाडे रजिस्ट्रेशन नंबर किन्ना सी, रोल नंबर किन्ना सी, ते टैसट विच किन्ने मार्क्स आए आ उह इत्थे फिल करने आ। कैटागरी कीड़ी है? जेड़ी भी तुहाडी कैटागरी उहदे सामने तुसीं टिक लगा देना, जेड़ी भी तुहाडी कैटागरी है वह होएगी। ठीक है, वो सामने एक दे सामने टिक लगा देना जिस तुसी अपना पेपर फिल कर रहे हो या कीता सी या स्क्रूटनी देण जा रहे हो। हुण उम्मीदवार दा अपना इत्थे नाम लिखना जी, फिर पिता जी का नाम, माता जी का नाम लिखना, तुहाडी जन्म मिति किन्नी है पूरी लिखनी है, ते एक एक 2021 तक तुसी किन्ने साल दे हो गए सी, किन्ने महीने ते किन्ने दिन दे तुहाडी जो उम्र सी। ठीक है जी, ते उस तों बाद लिंग पुरुष हो कि औरत हो, ते फिर तुहाडा पक्का पता रेजिडेंस लिखना है, जिला की आ, मोबाइल नंबर की आ, ते ईमेल एड्रेस लिखना है। उस तों बाद अंगूठा लगाना, हस्ताक्षर करने आ, ते इत्थे सिक्योरिटी अधिकारी होणगे उन्होंने अपने साइन कर देने आ। ठीक है जी, नैक्सट जो विद्यक योग्यतावां आ उह जिद्दां कि तुहानूं दस्सिया सी कि पहला तुसी दसवीं की फिल कर दिओ, फिर बारहवीं की फिल कर दिओ, उस तों बाद ईटीटी की फिल कर दिओ, ते उस तों बाद जो तुसी उच्च योग्यता लई आ, जे कोई बीए कीती आ, एमए कीती आ, कुछ भी कीता, तुसी उह फिल कर सकदे हो। इत्थे संस्था या यूनिवर्सिटी संस्था तुसी जिहड़े भी कॉलेज तो पढ़े हो, ठीक है, या किहड़े स्कूल तो पढ़े हो, तां इत्थे यूनिवर्सिटी जो भी तुहाडा बोर्ड है पीएससी बीसीबीएसई नालों मैनशन कर सकदे हो। ठीक है, सैशन किहड़ा सी तुहाडा, पोस्ट नाल संबंधित किहड़े विशे पढ़े हन। ठीक है जी, जो तुहाडे 6 विशे सीगे रेगुलर दे विच कीता या डिस्टेंस या प्राइवेट ओ मेंशन कर देना। जो तुहाडा डीएमसी आ 10th दा 12th दा ईटीटी दा बीएससी दा या बीए दा पास करन दी जो मिति है डीएमसी अनुसार ओ मेंशन करनी आ। तुहाडे पेपर च नंबर किन्ने आए आ, जो पेपर दा कहण दा मतलब आ कि जो फुल मार्क्स आए आ, मान लो 10वीं दे तुहाडे 400 नंबर आए 500 चों, तां इत्थे 400 इत्थे 500, तां इत्थे पॉइंटां च लिखना आ, प्रतिशत बनानी आ, पॉइंट तो बाद चार अक्षर होने चाहिए आ। मान लो तुहाडे 59% आए आ, 59 पॉइंट कुछ आए आ, तां 59 पॉइंट, पॉइंट तो बाद चार अक्षर 4 2 5 6 इदां लिखना है। विशेष कथन अगर कुछ मैंशन करना चाहो तां कर सकते, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तां तुसीं उह दे सकते हैं। ठीक है जी, सारिया विद्यक योग्यतावां तुसीं इदां फिल करनियां आ हर क्लास की जो भी तुसीं उन्हां नूं शो करना चाहते हो। फिर जो पंजाबी तुसीं पास कीती है, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਗਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, 10th 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਚ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਫਿਰ ਹਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠਾ, ਹਸਤਾਖਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬੀਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ,
सुतंत्रता सेनानी का है, स्पोर्ट्स कैटेगरी, हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस जो जनरल वाले लिए हुंदा है, फिर नीचे हरेक दे साइन होगा। ये 19 कुछ नुक्ते आ 17 नुक्ते आ जी के अप्लाई कीती जो असामी दा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुहाडे कोल हैगा या नहीं हैगा, कैटागरी अगर तुहाडी अप्लाई है, संबंधित सबूत हैगा कि नहीं, दसवीं पास करन दा सर्टिफिकेट जिथे डेट ऑफ बर्थ भी आ वह है कि नहीं, बारहवीं दा जमात दा डीएमसी है कि नहीं, ईटीटी दे सारे सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन दे ग्रेजुएशन जगह कोई एडिशनल सब्जेक्ट कीता, ग्रेजुएशन तो बाद कोई प्रोफेशनल योग्यता प्राप्त कीती आ, ठीक है, या पंजाबी पास करन दा सबूत है तुहाडे कोलो या नहीं है, ये तुसी सारी चीज मेंशन करनी है, ठीक है जी, उते हाँ या ना लिख देना है। फिर अगे देखो कि पंजाब वसनीक दा सर्टिफिकेट, ये सिर्फ कैटेगरी लई आ, जनरली नहीं हुंदा। ईडब्ल्यूएस दे लई सर्टिफिकेट है कि नहीं, एससी संबंधी, बीसी संबंधी, स्वतंत्रता सेनानी, स्पोर्ट्स या कोई होर सर्टिफिकेट जिसका लाभ तुसी लेना चाहो या लाभ मिल सकता वो है या नहीं है, ठीक है जी, वो सारी चीजा तुसी दसिया है, ठीक है जी। ते खाली खाने विच भरिया जावे हाँ या नहीं, हाँ या नहीं भरना नहीं है तो फिर तुसी डैश भी लगा सकते हो, बाकी उत्थे जाके कन्फर्म कर सकते हो, तुसी उस ज्यादा वधिया दसणगे। फिर हर पेज ते अपने साइन तुहाडे जरूरी है जी। फिर उम्मीदवार दा नाम, तुहाडा नाम, पिता जी दा नाम, जो रजिस्ट्रेशन करवाई सी ओहो, रोल नंबर ते केड़ी असामी लई फिल कीता सी इत्थे मेंशन करना। उस तो बाद सिर्फ उन्होंने दफ्तरी काम अपना करना है जी, उन्होंने अपने सारे दसने आ, होर इत्थे कोई भी इहदे विच औखा नहीं है। उस तो बाद जिहड़ी तुसी फाइल तैयार करनी है, जिहड़े अपने तुसी सर्टिफिकेट्स लगाने आ ना, हर सर्टिफिकेट नूं सैल्फ अटेस्टेड करना, यानी कि हरेक दे विच अपने साइन जरूर करने आ, ठीक है, सैल्फ अटेस्टेड जरूर करके ले जाने जी अपने हर सर्टिफिकेट नूं, उहदे नीचे तुहाडे जो साइन है वह होने चाहिए है, ठीक है जी। तो एक चीज होर आ तुहानूं उह भी दस दवां, जो तुसी अपनी ईटीटी दी फाइल तैयार करनी है स्क्रूटनी वाली, उहदे उपर रिक्रूटमेंट दा नाम की आऊगा जी, ईटीटी 6635, ठीक है जी, ते तुहाडा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह तुसी मैनशन करना है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, केड़ी पोस्ट दे लई अप्लाई कीता है, नाम की है जिन्हें अप्लाई कीता, उन्होंने पिता जी का नाम, माता जी का नाम, ते डेट ऑफ बर्थ, ये फाइल दे बाहर लगानी है जी, बाहर चिपका लियो, ठीक है जी। ते उस तो बाद डेट ऑफ बर्थ 1/1/2021 तक तुहाडी उम्र किन्नी आ, कैटागरी केड़ी आ, सब कास्ट केड़ी आ, ते अपना मोबाइल नंबर, ये चीज़ा तुसी जरूर बाहर उहदे पेस्ट करनी आ बाहर वाली साइड ते, ताकि तुहाडी फाइल दी वक्री पछाण रहे। सो इनफॉर्मेशन यही सी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कट ऑफ आ चुकी है, तुसी देख ली होनी है जी कि केड़ी डेट नूं केड़े वाले बुलाए आ, ते तुसी उत्थों देख के अपनी देख सकदे कि तुसी केड़ी डेट नूं जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।